हेलो दोस्तों, आप सभी को एजुकेशन टेक फ्लो फैमिली की तरफ से राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये एक त्यौहार के मौके पर जो कि बहुत खुशी का मौका है, बहन भाई आपस में जो भी रिलेशन होता है वो और बंधन जो होता है वो और पक्का हो जाता है, तो आज हम उसी को सेलिब्रेट करेंगे आपके साथ। आज हम उसी बहन भाई के रिश्ते को आपके सामने दिखाएंगे कि कैसे एक बहन और भाई आपस में रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फेस्टिवल सेलिब्रेट करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो अब ये मैंने अपनी थाली ले रही है और अब मैं अपने भाई की राखी बांधने जा रही हूँ। आप सब देखिएगा, इसमें रक्षाबंधन में होता क्या, सबसे पहले सिस्टर ब्रदर्स के पास आती है, उसको राखी बांधती है और फिर उसके रिटर्न में ब्रदर्स उसको कुछ गिफ्ट देता है और कुछ पैसे या फिर जो अपनी इच्छा हो कुछ भी दे सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो ज़रूरी है कि आप अपने सिस्टर्स को प्यार दीजिए, उसके साथ अच्छे से रहिए, तो यही है सबसे अच्छा। तो अब हम आपके सामने सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं आपको पहले अपने राखी दिखाना चाहती हूँ। ये राखी कोई नई नहीं है, 2 साल पहले पुरानी। जब मैं 2 साल पहले राखी लाई थी तो उसके साथ ये लेके आई थी। तो मैं आपको ये सब दिखा रही हूँ। कोरोना वायरस की वजह से हमारे फेस्टिवल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। राखी से सब कुछ नहीं होता, राखी हमारी कैसी है फर्क इससे पड़ता है कि हमारा प्यार कितना है। तो चलिए अब मैं अपने भाई के राखी बांध देती हूँ। तो फाइनली राखी बन रही है मेरे। राखी बन चुकी है, अब मेरी सिस्टर्स मेरे को कुछ स्वीट्स खिलाएंगी और मैं आपको बता दूँ ये होममेड स्वीट्स है। कोई कोरोना वायरस की वजह से हम बाहर नहीं गए और जिससे हमें कोई पैंडेमिक की चपेट में आ जाए, इस वजह से हमने होममेड मिठाई बनाई है जो मेरी सिस्टर सब मेरे को खिलाने जा रही है। होममेड मिठाई है, पर आप ये मत सोचिएगा ये मैंने बनाई है, ये मेरे बड़े बहन भाइयों ने बनाई है, मेरे भैया ने और मेरी बड़ी दीदी ने। थैंक यू। अब राखी बन चुकी है, अब मेरी बारी आती है। अब मेरे को क्या देना है तो मैं सबसे पहले आप सबके सामने अपने सिस्टर्स को राखी के रिटर्न में क्या क्या दूंगा आप देखिए। तो सबसे पहले मैं देना चाहूँगा ये एक गिफ्ट, ये एक पिकनिक लंच बॉक्स है जो मेरी सिस्टर्स अपनी पिकनिक पे या अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे जाती है, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मेरे को लगा। ये भी मैं बहुत पहले ख़रीद के लाया था लेकिन मेरे को देने का जब से मौका नहीं मिला, अब ये फेस्टिवल आया तो मैं सोचा अब दे दूँ। तो चलिए मैं इसको आपको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ और अपने सिस्टर्स को गिफ्ट करता हूँ। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। तो ये रेड कलर का लंच बॉक्स है जो मेरी सिस्टर का फेवरेट कलर है, रेड और वाइट। तो मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ ये। वाओ, ये कितना ब्यूटीफुल है। इसको ऐसे अनबॉक्स ओपन करते हैं और इसके अंदर हम अपनी कुछ भी स्वीट्स या फिर कोई भी नमकीन बिस्किट कुछ भी रख सकते हैं। इसमें 3 पोर्ट दिए हुए हैं। तो यह था पहला गिफ्ट मेरी सिस्टर का जो मैंने अपनी बहन को राखी पर दिया। और इसके बाद मेरा सेकंड गिफ्ट, ये मेरा सेकंड गिफ्ट 10 ग्राम गोल्ड। जी हाँ दोस्तों, 10 ग्राम गोल्ड मेरी सिस्टर्स के लिए सिर्फ राखी के रिटर्न में। ये 10 ग्राम गोल्ड चेन जाती हुई मेरी सिस्टर को। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड नाउ योर नेक लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। मैं थैंक यू तो कह नहीं सकती, आखिर मेरे भाई जो हैं। नाउ इट इज़ लास्ट गिफ्ट, इट इज़ 2000 रुपीज़, सो आई वॉन्ट टू गिव माई सिस्टर्स, सो प्लीज़ टेक इट। हाँ, इसके लिए मैं थैंक यू कह सकती हूँ। तो फाइनली हमने आपके सामने राखी का त्यौहार सेलिब्रेट करा और आप हम चाहते हैं आप भी अपने बहन भाइयों के साथ राखी का त्यौहार सेलिब्रेट करिए। और एक आग्रह और करना चाहेंगे, आजकल के बहन भाई जो होते हैं घर के बहन भाइयों से ज़्यादा बाहर के दोस्तों को और बहन भाइयों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आप सबसे पहले अपने घर के बहन भाइयों को इंपॉर्टेंस दीजिए, उसके बाद बाहर के लोगों को इंपॉर्टेंस दीजिए, ताकि आपके घर में फैमिली में बहन भाइयों में ज़्यादा प्यार हो। क्योंकि आजकल देखा जा रहा है ऐसे हम वेस्टर्न कल्चर की तरह होते जा रहे हैं जो हमारे बहन भाइयों में बिल्कुल प्यार नहीं है। लेकिन बस हमें वेस्टर्न कल्चर को अपनाना है, लेकिन इतना नहीं कि हम अपने रिश्ते भूल जाएं, अपने समझ को भूल जाएं कि हम अपने घर के बहन भाइयों को छोड़ के बाहर के फ्रेंड्स को ज़्यादा भाई मान रहे हैं या फिर दोस्तों को और
फ्रेंड्सों को ज्यादा बहन भाई मान रहे हैं, ये बस यही कहना चाहूंगा। और मेरी सिस्टर कुछ कहना चाहती हैं आपके सामने? मैं आपके सामने ज्यादा कुछ नहीं, बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारे कितने ही फ्रेंड्स हों, कितने ही रिलेटिव्स हों, पर भाई के लिए बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं होता और बहन के लिए भाई से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं होता। हम लोगों में कितनी लड़ाई हो इससे फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क इससे पड़ता है हमें कितना प्यार है। सो थैंक यू एवरीवन, आपने हमारी राखी सेलिब्रेट करना देखा और हम ज़रूर इच्छा जाहिर करते हैं आप भी अपनी बहन भाइयों को गिफ्ट देते रहिए, जिससे आपके रिलेशन में ज़्यादा प्यार बढ़ेगा। ये मत सोचे कि गिफ्ट कॉस्टली होते हैं, जी हाँ दोस्तों, रिश्ते से ज़्यादा कुछ कॉस्टली नहीं होता, आपस में गिफ्ट देते लेते रहना चाहिए। तो फाइनली बाय बाय, थैंक यू एवरीवन, आपने हमें देखा। वन भाई को लाती है खिला दे, ये भी, इट इज़ वेरी टेस्टी। Okay, bye bye. Bye.